ECAT Mathematics first year के अंदर chapter number 2 है set function and groups. उसके अंदर आज हम discuss करेंगे. Lecture 1 है set and its types, operations on sets, properties and laws of sets or Venn diagrams. अब अगर हम definition की बात करते हैं तो definition से मुतालिक जो MCQ ECAT के अंदर आ सकता है वो जो MCQ है that is identify which one is not a set. ठीक है, जैसे चार options हैं, एक है you know 2, 3, 4 option B है 5, 6, 7 option C है 1, 2, 3, 1 और option D है 2, 1 sorry again element 1, 2, 3, 4. ठीक है, अब ये चार ऑप्शंस हैं. अब विच वन इज नॉट अ सेट. सेट को हम डिफाइन करते हैं, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. दोनों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि सेट की डेफिनेशन में आते हैं. अब विच वन इज नॉट अ सेट मीन कि डिस्टिंक्शन का मतलब है कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करेगा, हर एलिमेंट या हर मेंबर डिफरेंट होगा. तो अगर आप ऑप्शन सी देखें तो इसके अंदर वन इज रिपीटिंग, वन जो है वो रिपीट कर रहा है, लिहाजा दिस वन इज Not a set. तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा. अगर हमसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पूछा जाए और एक ऑप्शन है जो मैं आपको पूरे एक एमसीक्यू के अंदर से निकाल के बता रहा हूं कि सेट ऑफ फेवरेट बुक्स. अब इसमें देखें तो दिस इज नॉट अ सेट. वाई, अगर यही क्वेश्चन हो विच वन इज नॉट द सेट लेकिन इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, तो विच वन इज नॉट अ सेट, सेट ऑफ फेवरेट बुक्स, ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ सेट. वाई, बिकॉज दिस इज नॉट वेल डिफाइंड. वेल डिफाइंड से मुराद के अगर इस स्टेटमेंट से एक सेट मैं बनाऊं यानी एक एलिमेंट्स मैं लिखूं तो मेरी फेवरेट बुक्स डिफरेंट होंगी, एक और बच्चा है या एक और स्टूडेंट है जिसकी फेवरेट बुक्स डिफरेंट होंगी, तो ऑब्वियसली हमारे जो मेंबर्स बनेंगे वो डिफरेंट बनेंगे. क्यों? बिकॉज सेट इज नॉट वेल डिफाइंड. सो दिस इज नॉट अ सेट. ये सेट की प्रॉपर डेफिनेशन के मुताबिक सेट नहीं है. उसके बाद हम बात करते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट, यानी सेट को डिस्क्राइब कैसे किया जाता है. डिफरेंट मेथड है, डिस्क्रिप्टिव मेथड है, टेबुलर मेथड है, सेट बिल्डर मेथड है. डिस्क्रिप्टिव मेथड में हम सेट के एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं, टेबुलर में उन एलिमेंट्स मेंबर्स को पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं, सॉरी ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, दरमियानी ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं. एंड सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हम उसको जो है वो एक सिंबल के साथ या एक सिंबल के साथ या लेटर को एक सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करेंगे और बताएंगे कि सेट की करेक्टरिस्टिक्स किस सेट से मैच करती हैं, उस पर लिमिटेशंस क्या हैं. अब जो ई कैट के अंदर आपके पास क्वेश्चन आ सकता है वो कुछ यूं आ सकता है कि जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन मौजूद है एंड दिस इज इन सेट बिल्डर नोटेशन सेट ए इज इक्वल टू, ये स्टार्ट होता है 11, 13, उसके बाद 17, 19, 23, दैट्स इट. अब इन सेट बिल्डर नोटेशन ये किस चार ऑप्शंस हैं. अब हम किस तरह से पिक करते हैं, व्हाट इज सेट बिल्डर नोटेशन. सेट बिल्डर नोटेशन में हम बात करेंगे ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स. मैं क्या कह रहा हूं कि ये तमाम जो एलिमेंट्स हैं इनकी जनरल एलिमेंट क्या है, एक्स. ठीक है, अब एक्स सच दैट एक्स, एक्स का ताल्लुक किस सेट से है. ये नंबर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बताती है हमें कि ऑल दीज आर प्राइम नंबर्स बिकॉज इनके जस्ट वन वन इनके जस्ट वन पे डिवाइड हो सकते हैं या अपने आप पे डिवाइड होते हैं. तो जस्ट टू फैक्टर्स हैं, ऑल दीज आर प्राइम नंबर्स. इफ दीज आर प्राइम नंबर्स इसका मतलब क्या हुआ कि इनका ताल्लुक है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स से, कैपिटल पी से. एंड तमाम प्राइम तो नहीं है, अगर तमाम प्राइम नंबर्स होते अगर डॉट डॉट होता और ये टू से स्टार्ट हुए होते तो मैं सिंपल यहां पे लिख के ब्रेसेस बंद कर देता और जो ऑप्शन ये होती है हम उसको सेलेक्ट कर लेते. लेकिन इसके ऊपर लिमिटेशंस भी हैं. एंड व्हाट आर द लिमिटेशन, एंड एक्स जो है इज ग्रेटर और इक्वल टू 11, ग्रेटर भी है और इक्वल भी है, 11 के लेस और इक्वल टू 23. जो ये ऑप्शन होगा दैट विल बी द आंसर. सम टाइम क्या होता है कि अगर वो ग्रेटर इक्वल टू को नहीं बोलेगा तो यहां पे यू भी कर सकता है, एंड एक्स जो है इज ग्रेटर देन 11 से पिछला प्राइम नंबर क्या है, दैट इज 7. ठीक है, बिकॉज 8, 9, 10 तीनों कंपोजिट नंबर्स हैं, दे आर नॉट प्राइम. सो एक्स इज ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 23 से नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 24, 25, 26, 27, 28, 29. सो दैट इज 29. तो यू भी हो सकता है. तो इस केस में आप इस ऑप्शन को पिक कर लेंगे, बाकी एज इट इज एक्स एज दैट एक्स बिलोंग टू prime numbers and x is greater than 7 and less than
29, तो आप इस ऑप्शन को यहां से पिक कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अभी हम बात करते हैं जी टाइप्स ऑफ सेट्स की। अब टाइप्स ऑफ सेट्स से मुतालिक जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिसे हमसे ये पूछा जा सकता है कि डिफरेंस अगर आप लेते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स का, डिफरेंस ले रहे हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, ठीक है, सेट ऑफ होल नंबर्स का डिफरेंस सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। सो ऑप्शन होंगी ए विच इज एम्प्टी सेट, ठीक है। ऑप्शन बी हो सकती है सिंगलटन सेट, ठीक है, सिंगलटन सेट, और उसके बाद फेनाइट सेट, सी ऑप्शन है फेनाइट सेट, और डी ऑप्शन है इनफेनाइट सेट। अब सबसे पहले आप इनसे, आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज होल नंबर, व्हाट इज नेचुरल नंबर, एम्प्टी, सिंगलटन, फेनाइट, इनफेनाइट, ठीक है। अब एम्प्टी सेट मीन के एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, मीन के उसको हम जस्ट फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं या खाली ब्रैकेट यूज करते हैं, और वी यूज दिस ब्रैकेट, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा व्हाट इज सिंगलटन सेट, ऐसा सेट जिसके अंदर जस्ट वन एलिमेंट हो, दैट्स कॉल्ड सिंगलटन सेट। उसके बाद फेनाइट, जिसका एंड पॉइंट, आखिरी जो एलिमेंट है वो नोन हो। उसके बाद इनफेनाइट, जिसका आखिरी एलिमेंट नोन ना हो, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सेट ऑफ होल नंबर्स माइनस एन, ठीक है, सेट ऑफ होल नंबर्स माइनस एन। अब सेट ऑफ होल नंबर स्टार्ट होते हैं जीरो से, तो जीरो, वन, टू, थ्री, जबकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं वन से, तो वन, टू। तो ऐसे एलिमेंट जो कि सेट ऑफ होल नंबर्स में हो लेकिन सेट ऑफ नेचुरल नंबर में ना हो, वो कौन से है, जस्ट जीरो। इसका मतलब है इसका जगह हम डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास जस्ट एक एलिमेंट आएगा, जीरो। अब फेनाइट में एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो इट मींस कि एम्प्टी नहीं हो सकता, सिंगलटन, ऐसा सेट जिसके अंदर वन एलिमेंट हो, दैट्स कॉल्ड सिंगलटन। सो हमारा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो इसके अंदर हमने देखिए बहुत सारी चीजें पैसिवली लर्न कर ली, एम्प्टी सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट क्या होता है, फेनाइट क्या होता है, और इनफेनाइट सेट क्या होता है। इसी तरह से हम बात करते हैं, एमसीक्यू यू भी आ सकता है कि अगर हमारे पास एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स हैं ए, बी, सी और डी, और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, और पूछा जा रहा है कि विच वन इज इक्विवेलेंट सेट्स, जिसके अंदर एक ऑप्शन यू लिखी हुई है बी, सी, ए और डी, अब बाकी सारे एलिमेंट्स डिफरेंट है, जिसमें पांच भी एलिमेंट्स हैं। तो इक्वल सेट्स होने के लिए हमारे पास सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए, अगर इसके चार हैं इसके भी चार होने चाहिए, और एलिमेंट्स हो भी वैसे ही जैसे सेट दूसरे सेट में एलिमेंट के बने, ए यहां पे भी है, ए यहां पे भी है, बी भी है, बी भी है, सी भी है, सी भी है, डी भी है और डी भी है, यानी अगर आप इसको ऑर्डर में लिखेंगे तो आपके पास यही सेट आएगा। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक जैसे हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर भी हो, तो वी कॉल देम दोज आर इक्वल सेट्स। लेकिन अगर सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक जैसे ना हो, तो फिर हम कहते हैं इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सबसेट के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन यू आता है कि ईकैट के अंदर इफ सेट ए इज इक्वल टू ए, बी, सी एंड डी, आप बताएं कि व्हाट आर द पॉसिबल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, व्हाट आर द पॉसिबल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स दैट कैन बी मेक थ्रू दिस सेट, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास 15, 16, 17 एंड 18, ये ऑप्शंस है ए, बी, सी और डी, ठीक है। बताना क्या है जी, प्रॉपर सबसेट्स कितने बनाए जा सकते हैं। अब सबसे पहली बात है कि व्हाट इज सबसेट, सबसेट होता है ऐसा सेट जो कि इन्हीं एलिमेंट्स को, यानी अगर कोई सेट सेट ए का सबसेट है तो ये गारंटी है कि वो इसी के एलिमेंट्स को या इस जैसे एलिमेंट्स को इस्तेमाल करके बनाया जाएगा। उसके अंदर एलिमेंट्स इस जो है वही यूज होंगे जो सेट ए में ही यूज हुए, लाजमी नहीं कि सारे एलिमेंट्स यूज होंगे, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं, सारे भी हो सकते हैं, सो वो कहलाएगा सबसेट, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर एक सेट हो बी, ठीक है, एक सेट हो बी जिसके अंदर एलिमेंट्स हो बी और सी, तो आई कैन से कि बी इज दी सबसेट ऑफ ए, इस तरह लिखते हैं, इफ बी इज दी सबसेट ऑफ ए, इट मींस के ए इज दी सुपर सेट, ए इज दी सुपर सेट ऑफ बी, इसको यूं लिखते हैं। प्रोवाइडेड दैट अगर बी जो है, यूं समझे कि अगर बी जो है वो ए का बच्चा है तो ए बी का बाप है, सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स। चले जी,
ये कॉन्सेप्ट भी हो गया। अब है प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। अगर सबसेट के अंदर, अगर सबसेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन सेट से कम होते हैं, जैसे ये एक प्रॉपर सबसेट है, ठीक है, बट अगर मैं एक और सेट बनाऊं, जैसा सेट सी है मेरे पास, उसके अंदर एलिमेंट्स हों ए बी सी डी, अब वही एलिमेंट है लेकिन सेट ए के अंदर जितने एलिमेंट हैं उतने ही सेट बी के अंदर है, सेट ए के अंदर है, यानी जितने सेट सी के अंदर है उतने ही सेट ए के अंदर है, तो लिहाजा ये एक सबसेट तो है लेकिन दिस इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट, बिकॉज हम ये भी कह सकते हैं ये भी सी भी ए का सबसेट है और ये भी कह सकते हैं ए बी सी का सबसेट है, तो ये प्रॉपर सबसेट तो कोई भी ना हुआ, सो दिस इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट। हमारे पास जो रूल है सिंपलेस्ट रूल, ये तो मैंने जस्ट एक कॉन्सेप्ट की रिविजन की है, हमारे पास जो सिंपलेस्ट रूल है ये फाइंड आउट करने का कि सेट ए के टोटल कितने सबसेट बन सकते हैं, वो क्या है, टू रेज टू पर एन, टू रेज टू पर एन, ठीक है, वेयर एन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एन क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मीन के नंबर इसके चार एलिमेंट्स हैं तो टू रेज टू पर फोर कितना हो जाएगा 16, 16 में 15 जो है, 15 जो है वो आपके प्रॉपर सबसेट होंगे और एक जो है वो इम्प्रॉपर होगा, तो इम्प्रॉपर सबसेट सिर्फ किसी भी सेट का जस्ट वन ही होगा, तो 15 एंड वन, इसका मतलब है ए इज द राइट आंसर, तो ए इज माई आंसर, ठीक है। इसी तरह से अगर किसी सेट के तमाम सबसेट्स को आप ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज कर दें, सो दैट बिकम्स सुपर, दैट बिकम्स पावर सेट, वो क्या बन जाता है हमारे पास पावर सेट्स, या कोई भी सेट जो अंडर स्टडी हो उन तमाम का जो सुपर सेट होता है दैट्स कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। अभी हम बात करेंगे कुछ ऑपरेशंस की, ठीक है, हमारे पास सेट्स जो हैं ऑपरेशन के लिहाज से हम डिस्कस करेंगे यूनियन को, ठीक है, यूनियन को, इंटरसेक्शन को और डिफरेंस को, इंटरसेक्शन को और डिफरेंस को, और डिफरेंस को, और साथ ही साथ, साथ ही साथ हम देखेंगे कि अगर हमारे पास सेट जो है वो डिसजॉइंट होते हैं, डिसजॉइंट सेट हो तो फिर किस तरह से यूनियन ली जाएगी, अगर ओवरलैपिंग हो, ओवरलैपिंग हो फिर किस तरह से ली जाएगी, ठीक है, और अगर हमारे पास ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, सबसेट ऑफ, सबसेट ऑफ बी हो, ठीक है, और साथ ही साथ हम वेन डायग्राम्स को भी स्टडी कर लेंगे, ठीक है। चलें, यूनियन क्या होता है, व्हेन वी पुट टुगेदर एलिमेंट्स, ठीक है, दोनों एलिमेंट्स कंबाइन कर दिए जाते हैं, ये इंटरसेक्शन का सिंबल है और ये डिफरेंस का सिंबल है, ठीक है, जो कि नेगेटिव साइन की तरह है, ठीक है, दिस इज अ नेगेटिव साइन एक्चुअली। चले जी, अगर डिसजॉइंट सेट्स, मतलब कि ऐसे सेट्स जिनमें एक एलिमेंट भी कॉमन ना हो, एक एलिमेंट भी कॉमन ना हो, जैसे मैं अगर दो सेट्स ले लूं, ठीक है, डिसजॉइंट में मेरे पास सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 1 2 और सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड बी है जिसके अंदर है 3 4 3 4। अब याद रहे कि डिसजॉइंट की यूनियन क्या होगी, ए यूनियन बी, और इसके अंदर तमाम एलिमेंट्स कंबाइन कर दिए जाएंगे 1 2 3 एंड 4, ठीक है, तो टोटल दोनों के, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, जितने दोनों के एलिमेंट्स हैं उनका सम, बिकॉज डिसजॉइंट है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अब ए इंटरसेक्शन हमें बड़े क्लियरली बता देगी कि डिसजॉइंट सेट्स की इंटरसेक्शन क्या होती है, जस्ट हाली, बिकॉज कोई एलिमेंट कॉमन है ही नहीं, इंटरसेक्शन के अंदर वी राइट कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है, और इसी तरह से ए इंटरसेक्शन, ए डिफरेंस बी, व्हाट इज ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी हो जाएगा वो एलिमेंट जो ए में हो बी में ना हो, दैट इज गोइंग टू बी ए, और बी डिफरेंस ए क्या हो जाएगा, वो एलिमेंट जो बी में हो बट ए में ना हो, दैट इज बी, इन केस ऑफ डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। अब अगर हम इनकी यूनियन शो करते हैं, यानी अगर हम इनको वेन डायग्राम के थ्रू शो करते हैं, तो वी कैन सिंपली स्टेट दिस इज रेक्टेंगल जो कि सेट अंडर स्टडी है, ठीक है। अब अगर ये सेट है ए और ये सेट है बी, तो इनकी डिसजॉइंट क्या हो जाएगी, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी, इनकी यूनियन कैसे शो कर दी जाएगी दोनों को, जो है, सॉरी यहां पे कलर हम सेलेक्ट करते हैं, यहां पे हम कलर इसको एक्चुअली क्लोज करते हैं, तो बेसिकली आप हम कह सकते हैं कि दोनों को एक जैसा अगर हम कलर कर देंगे, दोनों को अगर हम एक जैसा कलर कर देंगे, सो दैट बिकम्स यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। अगर इंटरसेक्शन शो करनी है तो नो रीजन, वी विल सिंपली से कि सेट ए है और सेट बी है, लेकिन वी वुड राइट कि नो रीजन रिप्रेजेंट्स इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी व्हेन दे आर डिसजॉइंट सेट्स, जबकि डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस कुछ यूं हो जाएगा, अगर ए डिफरेंस बी हम लेना चाह रहे हैं, ठीक है, इफ दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी,
तो इनकी इनकी जो डिफरेंस होगा, अगर ए डिफरेंस बी ले रहे हैं तो सेट ए आ जाएगा, ठीक है, और अगर यानी सेट ए को कलर कर देंगे, अगर बी डिफरेंस ए ले रहे हैं तो सेट बी को कलर कर देंगे, सो दैट्स वेरी सिंपल, ठीक है। ओवरलैपिंग सेट का मतलब है कि जब कोई एक एलिमेंट कॉमन हो लेकिन कोई भी एक दूसरे का सबसेट ना हो, जैसे 1, 2 और 2, 3। तो इस केस में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे सेट के अंदर ए यूनियन बी, वो टोटल एलिमेंट यानी नॉन कॉमन एलिमेंट का सम प्लस कॉमन एलिमेंट, जैसे 1 नॉन कॉमन है, 2 कॉमन है और 3, तो नॉन कॉमन एलिमेंट का सम 1 और 3, और उसके बाद जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो उनका सम। तो दिस बिकम्स ए यूनियन बी व्हेन दे आर ओवरलैपिंग सेट्स। ए इंटरसेक्शन बी हमें बता देगी कि ओवरलैपिंग किसकी वजह से हो रही है, तो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ 2। ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगी यहां पे हमारे पास, जस्ट 2, ठीक है, 2 ए इंटरसेक्शन बी। और ए डिफरेंस बी, अगर आप ए डिफरेंस बी करते हैं, ठीक है, तो वो एलिमेंट जो ए में है बी में नहीं है, 1, और बी डिफरेंस ए इज गोइंग टू बी वो एलिमेंट जो बी में हो ए में ना हो, दैट इज 3। इसी तरह से इफ ए इज द सबसेट ऑफ, चलिए इसको हम वेन डायग्राम के थ्रू भी स्टडी कर लेते हैं साथ ही, ठीक है। वेन डायग्राम के थ्रू अगर मैं ड्रॉ करूं तो आई कैन सिंपली ड्रॉ यानी जो आप डायग्राम्स देखते हैं जो कि आपको ई कैट एम कैट के अंदर आएंगी, ठीक है। अगर आप ओवरलैपिंग सेट्स हैं तो ओवरलैपिंग सेट्स आपके इस तरह से ड्रॉ होते हैं, दीज आर ओवरलैपिंग सेट्स, ठीक है, दीज आर ओवरलैपिंग सेट्स। अब इसको अगर हमने शो करना है, लेट सपोज यूनियन शो करनी है, तो वी वुड सिंपली कलर इट एज ए होल, ठीक है। अगर हमने इंटरसेक्शन शो करनी है तो इंटरसेक्शन में सिर्फ जो ओवरलैप एरिया है सिर्फ उसको कलर कर दिया जाएगा, और अगर हमने ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए लेना, तो लेट सपोज दिस इज ए, वो एलिमेंट जो सेट ए में है और बी में नहीं है, तो ये कलर कर देंगे। अगर आप बी डिफरेंस ए लेंगे तो ये एलिमेंट जो बी में हो ए में ना हो उसको कलर कर देंगे, सो दिस इज हाउ वी शो विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम्स, ठीक है। इसी तरह से इफ वन इज द सबसेट ऑफ अदर, ठीक है, जैसे जैसे हम बात करते हैं ए के अंदर एलिमेंट्स हो 2, 3, जबकि बी के अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो हम बात करते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इस केस में व्हाट इज यूनियन, 1, 2, 3 विल बी द यूनियन, ठीक है। इंटरसेक्शन क्या होगी, सेट ए इंटरसेक्शन होगी, और ए डिफरेंस बी क्या होगा, एम्प्टी सेट, जबकि बी डिफरेंस ए होगा 1, ठीक है। अगर वेन डायग्राम्स के थ्रू अगर हम इनको शो करना चाह रहे हैं तो जो सबसेट होता है वो किस तरह शो किया जाता है, लेट्स सपोज दिस इज द यूनिवर्सल सेट, सो ये जो है ये सेट है बी और ये सेट है बीच में ए, सो दिस सेट इज बी, दिस सेट इज ए, ठीक है। और अगर आप ए यूनियन बी शो करते हैं तो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू कलर इट एज ए होल, ठीक है। जैसे मैं इसको कलर कर देता हूं, चले चले ओके, लेट्स पिक द ग्रीन कलर, ठीक है। ये है ए यूनियन बी, ठीक है, मैंने पूरे को कलर कर दिया, जबकि अगर अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी करता हूं तो आई विल गेट जस्ट सेट ए, और अगर मैं ए डिफरेंस बी करता हूं तो कोई भी नहीं आएगा, बिकॉज कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ए के अंदर हो बी के अंदर ना हो, बट अगर मैं बी डिफरेंस ए करता हूं तो आई विल गेट दिस सेट, ठीक है। सो ये हमने शो किया कुछ वेन डायग्राम्स को, और एंड इसी तरह से हमारे पास जो मजीद कॉन्सेप्ट हैं अबाउट सेट्स वो क्या है, डी मॉर्गन लॉज, जो कि स्टेटमेंट देते हैं जी कि अगर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किया जाए, सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और अगर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किया जाए, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। और हम ये बात भी जानते हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट है, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट, अगर गिवन सेट में से, यानी अगर वेन डायग्राम की सूरत में देखा जाए, अगर हम गिवन सेट में से यानी यूनिवर्सल सेट, तमाम जो सेट जो सुपर सेट है तमाम सेट का, अगर उस सेट में से कोई भी गिवन सेट उसका सबसेट सेट ए अगर सबट्रैक्ट कर दे तो दिस बिकम्स कॉम्प्लीमेंट, यानी अगर मैं यूनिवर्सल सेट का डिफरेंस ले लूं इसके साथ, तो जो मेरे पास दिस एरिया, दिस इज कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट, दिस इज कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट, आई वुड कलर इट ब्लैक, ए कॉम्प्लीमेंट, और ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है ये बेसिकली यूनिवर्सल सेट, बट दिस एरिया रिप्रेजेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट, तो दीज आर कॉल्ड डी मॉर्गन लॉस, इनको हम क्या कहते हैं, डी मॉर्गन लॉस, डी मॉर्गन मॉर्गन लॉस, डी मॉर्गन लॉस। अब जो प्रॉपर्टीज हैं कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड वो क्या हैं उनको हम देख लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड भी प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास,
जिसमें हम ये जानते हैं जी कि अगर हम ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो ऑब्वियसली विल गेट अगेन एम्प्टी सेट, यानी ऐसे एलिमेंट जो सेट ए में हो, सेट यूनिवर्सल में हो, ए में ना हो, फिर ए की इसी के साथ इंटरसेक्शन ही जाए तो ऑब्वियसली विल गेट एम्प्टी सेट। इस तरह से अगर आप ए की यूनियन लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट के साथ तो अगेन विल गेट यूनिवर्सल सेट, क्योंकि वो एलिमेंट जो आपने यहां पर डिफरेंस के तौर पर निकाले थे दोबारा उनको ए से कंबाइन कर दिया जाए तो अगेन गेट यूनिवर्सल सेट। इसी तरह से दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट लॉस। डबल कॉम्प्लीमेंट लॉस क्या है, अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट का दोबारा से कॉम्प्लीमेंट ले लें तो विल गेट सेट ए। ठीक है, व्हाट आर आइडेंटिटी लॉस, ठीक है, हमसे पूछा जाता है स्ट्रेट अवे समटाइम पूछा जाता है जी ए यूनियन यानी ई कैट के अंदर ए यूनियन खाली सेट व्हाट विल बी इज इक्वल टू ए, व्हाट इज दिस लॉ कॉल्ड आइडेंटिटी लॉस, बिकॉज आपने ए की यूनियन खाली सेट से ली और ए इज को वापस से आ गए, इसका मतलब दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी लॉ। या इसी तरह से अगर आप खाली सेट की इंटरसेक्शन ले लें सेट ए के साथ तो अगेन वी विल गेट खाली सेट, अगेन दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी लॉ। ये दोनों जो है, ठीक है, ये दोनों जो है वो कहलाते हैं आइडेंटिटी लॉस। ठीक है, आइडेंटिटी लॉस। उसके बाद एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो यूनियन और इंटरसेक्शन है ये दोनों क्यूमुलेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ डिस्ट्रीब्यूट एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करते हैं, जबकि जो डिफरेंस ऑफ सेट्स है वो क्यूमुलेटिव लॉ या एसोसिएटिव लॉ को होल्ड नहीं करते, यानी ए डिफरेंस बी इज नॉट इक्वल टू बी डिफरेंस ए।